गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो मैंने आपको लेसन नंबर सिक्स एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ाया था इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट व्हाट आर द ब्रांड्स एंड व्हाट इज मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाउ वी विल रीड अबाउट द काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग नाउ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन प्रोडक्ट वी कैन सी एडवर्टाइजमेंट ऑफ क्लोथ फूड आइटम कार कॉस्मेटिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम गैजेट्स हॉलीडे डेस्टिनेशन स्टेशनरी बाइक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है बेटा जैसे आप टीवीज में न्यूज पेपर्स में बाहर बोर्डिंग्स में पैम्पलेट्स में न्यूज पेपर में एक्सेट्रा में आप देखते हैं कि कोई बिस्किट नया आ रहा है उसकी आपको Uh, उसकी एडवर्टाइजिंग मिलेगी कोई नया ब्रांड का क्लोथ आ रहा है उसकी मिलेगी कोई नई कार रिलीज हो रही है उसकी तो दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग राइट इट इज कलरफुल एंड आई कैचिंग एज दे एम टू वाओ द कस्टमर बाय हाईलाइटिंग द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दे आर प्रोमोटिंग नाउ सोशल एडवर्टाइजिंग सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कैटर्स टू द मासेस फॉर देयर वेलफेयर बैंक्स रेलवेज टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज पोर्ट्रेट देयर कंपनी एज बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर राइट जो जिस इस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट होती है यानी कि सोशल एडवर्टाइजमेंट होती हैं मतलब दिस इज फॉर देअर वेलफेयर यानी कि लाइक बैंक रेलवे एक्सेट्रा के वेलफेयर के लिए होती हैं सर्विस एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड पॉल्यूशन कंट्रोल सेफ्टी ऑफ द गर्ल चाइल्ड नेशनल इंटीग्रेशन पोलियो रिडिक्शन फीमेल फोर्टिसाइड्स राइट टू बी गर्ल चाइल्ड डिजीज प्रिवेंशन सर्विस पल्स पोलियो एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा सोशल एडवर्टाइज एड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस लाइक जैसे कोरोना की बीमारी चल रही है कोरोना के लिए पैम्पलेट्स बनाए जाते हैं कोरोना के लिए बोर्ड रखा है कि, कि हमें मास्क पहनना चाहिए दो गज दूरी रखनी चाहिए हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए तो दीज आर द सोशल एडवर्टाइजिंग नाउ इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन द सोशल वर्क डन बाय पर्टिकुलर कंपनी एंड हाउ इट स्पॉन्सर स्पोर्ट्स एंड कल्चर इवेंट द एडवर्टाइजमेंट टेल द पब्लिक हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर क्वालिटी कंट्रोल यानी कि कोई भी एजुकेशन है कोई भी कॉलेज है कोई भी स्कूल है एनी थिंग इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट की हाउ इट वर्क उसकी क्वालिटी क्या है दे क्रिएट ए गुड पब्लिक इमेज ऑफ ए कंपनी नाउ इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अब देखिए जब एडवरटाइजिंग कुछ बनती हैं तो उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं दैट वी विल नाउ रीड देखिए एडवर्टाइजिंग स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंड जनरेटेड पीपल इंटरेस्ट इन इट दैट वी नो कि हमें किसी भी नई चीज के बारे में कब पता लगता है कोई हम एड एडवर्टाइजमेंट देखते कहीं नया स्कूल खुल रहा है कहीं नो शॉप खुल रहे कहीं कोई नया मॉल खुल रहा है एक्सेट्रा फॉर द कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गेट द चांस टू चूज द स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट दे आर एबल टू मेक द राइट चॉइस एंड बाय द बेस्ट प्रोडक्ट एट द राइट देखिए इससे हमें क्या पता पड़ता है ब्रांड के बारे में हमें पता लगता है और हम अपनी राइट चॉइस यानी कि हम अपनी चॉइस के अनुसार राइट right प्राइस के अनुसार हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं समटाइम्स टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर मैन्युफैक्चर सेल देयर प्रोडक्ट विद हैवी डिस्काउंट्स कई बार क्या होता है कि हमें डिस्काउंट्स मिल रहा होता है फूड आइटम पे कई बार में बहुत डिस्काउंट्स मिल रहा होता है नमकीन के ऊपर बिस्किट के ऊपर बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा होता है बाय टू गेट वन फ्री मिल रहा होता है कई बार में ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा होता है कई बार में फोर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा होता है बिकॉज उससे क्या है कि जैसे कंपनी में कंपनी हमें उस पर डिस्काउंट देगी तो कंपनी को बेनिफिट होगा कंपनी को क्या बेनिफिट होगा कंपनी की सेल ज्यादा होगी नाउ सोशल एंड एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग हेल्प कंज्यूमर टू नो मोर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस चैरिटेबल एज वेल एज कार्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट वेरियस वेलफेयर मीजेज टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू सोशल गेट टू इंफ्लुस बाई एडवर्टाइजिंग दैट देइंग पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट इज एब्सोल्यूटलीबार क्या होता है कि लाइक well. uh, like, uh, हर कोई बदल मतलब हर कोई पीपल हर किसी ब्रांड का कपड़ा या कोई भी सामान नहीं खरीद सकता समटाइम इट बिकम एक्सपेंसिव फॉर दैम तो कई बार क्या होता है कि अब मुझे तो मेरी पॉकेट में तो सौ रुपए हैं बट मैंने किसी ब्रांड को चूज किया थाउजेंड रुपीज का तो उससे मुझे क्या दिक्कत होगी चिल्ड्रन एंड टीन बिकम ब्रांड कॉन्शियस एंड स्पेंड मनी ऑन एक्सपेंसिव थिंग अननेसेसरी दोज हु कैन नॉट अफोर्ड फील

खर्च कर देते हैं राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा नाउ थैंक यू